15 प्रोग्राम्स, आई होप सो सब लोग देख पा रहे हैं। इसका एक बंच ऑफ नोट्स है जिसके अंदर 16 प्रोग्राम्स कुल मिला के दिया गया। तो यार अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो या फिर अगर तुम क्लास 11 या फिर 12 के स्टूडेंट हो एंड अगर तुम्हारा सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो तुम इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। एंड अगर तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर जिंदगी में आज तक तुम्हारे कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था बट राइट नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया है तब भी तुम इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बेसिक्स लेके बात करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड लेट्स गिव अ शॉर्ट इंट्रो। सो माय नेम इज आकाश एंड यू ऑल आर वॉचिंग आकाश टॉक। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली आईसीसी कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। एंड काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया आपका वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा है एंड ऊपर से लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पर मांग के थे कि भैया आप कंप्यूटर के ऊपर वीडियो लाए, ठीक है। सो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो या फिर ये एक बेसिक सा या बेसिक वीडियो बोल सकते हो जिसके अंदर हम बात करने वाला है यार दो चीज को लेके, एक है लूपिंग स्टेटमेंट, एक है प्राइमरी जावा प्रोग्राम्स या फिर जो इजी या फिर प्राइमरी प्रोग्रामिंग होते हैं, ठीक है। तो देखो यार फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसका यार जो बेसिक कंसेप्शन है वो सही से क्लियर नहीं है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है, इस दोनों टाइप के प्रोग्रामिंग के ऊपर। एंड इफ यू वांट कि भैया आप लूपिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग प्रोग्रामिंग के ऊपर आप वीडियो डिटेल से बनाइए जिसके अंदर हर एक चीज हमको समझाइए, हमारा जो बेसिक्स है वो उतनी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है। ऑन दैट केस आई कैन मेक सम स्पेशल वीडियो फॉर यू। एंड मेरा ये भी मानना है कि मैं कंप्यूटर के ऊपर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के रखे है, ठीक है, एंड इसके ऊपर बोल दो यार वीडियो ज्यादा नहीं है, बट अगर तुम लोग चाहते हो कि भैया आप रेगुलर वीडियो लाइए कंप्यूटर के ऊपर तो मैं कर सकता हूँ। इसीलिए तुमको छोटा सा काम करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर थोड़ा कमेंट करना है। देखो यार अगर तुम 12वीं के बच्चे हो, ठीक है, अगर तुम्हारा आईएससी में कंप्यूटर है ऑन दैट केस भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो क्योंकि यार बहुत सारे लोग ना क्लास 11 में जाके भी कंप्यूटर्स लेते हैं, ठीक है, बट इसका बेसिक क्लियर नहीं होता है। सो आज हम बात करने वाले हैं पहले व्हाट इज लूपिंग स्टेटमेंट। भाई लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है भैया, रिडक्शन सिलेबस हुआ है क्या आपको पता है? हाँ यार मेरे को पता है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना के रखे थे। तो रिडक्शन सिलेबस के ऊपर, रिडक्शन या फिर रिड्यूस सिलेबस के ऊपर क्या लूपिंग स्टेटमेंट है? हाँ यार रिड्यूस सिलेबस के ऊपर लूपिंग स्टेटमेंट है। तो व्हाट इज लूपिंग स्टेटमेंट, देखो यार मैं शॉर्ट शॉर्ट दो तीन बातें बोलूंगा एंड ये दो तीन बात बोलने से पहले मैं तुमको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो मैं पहले ही बात किया था, नोट्स, ठीक है। देखो यार नोट्स नहीं है, इसको बोल सकते हो कुछ छोटा सा प्रोग्राम जो मेरा यार बनाया हुआ है, ठीक है। सो ये है यार लूपिंग प्रोग्राम्स, आई होप सो सब लोग देख पा रहे हैं। इसका एक बंच ऑफ नोट्स है जिसके अंदर 16 प्रोग्राम्स कुल मिला के दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तुम जाके इसका यार पीडीएफ बना सकते हो या फिर इसका यार जेरोक्स प्रिंटर जो भी है करवा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार, बेसिक्स के लिए, क्योंकि अगर ये चीज अगर तुम आज सही से नहीं जानोगे ना ऑन दैट केस क्या होगा, बाद में जाके जितने भी यार प्रोग्राम्स तुम करोगे नेस्टेड लूप जो भी करोगे यार उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर ये 16 प्रोग्राम्स का कंसेप्ट या फिर अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आईसीसी में आते हैं, मैं इतना बड़ा बात तुमको कह सकता हूँ या फिर रादर कह रहा हूं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आईसीसी में आते हैं, नदर आईएससी में भी शॉर्ट स्टूडेंट्स के साथ काफी कवर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर तुम कॉलेज के बंदे हो यार, पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ है तब भी ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, व्हाट डू यू मीन बाय लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट है क्या, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट यार ज्यादा कुछ नहीं है, लूपिंग स्टेटमेंट है कि यार तीन टाइप का लूप होता है, ठीक है, एक है फॉर लूप, एक है व्हाइल लूप, तीसरा है डू व्हाइल लूप, ठीक है। तीन टाइप का लूप होते हैं, ज्यादा नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि भैया हर एक लूप्स के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाइए, डिटेल से प्रोग्रामिंग करके समझाइए, तब कमेंट करना है एंड इस वीडियो को शेयर करना है अमंग विथ योर फ्रेंड्स। दो काम करना है, कमेंट करना है एंड वीडियो को शेयर करना है अमंग विथ योर फ्रेंड्स। अगर तुम नए चैनल देख रहे हो ऑन दैट के सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर गेटिंग रियल टाइम अपडेट, नोटिफिकेशन बेल को जो है यार वो दबा सकते हो जो भी है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू नंबर टू टाइप ऑफ थिंग, व्हाट इज प्राइमरी जावा प्रोग्राम। देखो यार मैंने लिखा हुआ प्राइमरी जावा प्रोग्राम, प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी का है मतलब कि इनिशियल्स या फिर जो स्टार्टिंग से आपको सीखना चाहिए, ठीक है, जो स्टार्टिंग से हमको सीखना चाहिए। सो प्राइमरी जावा प्रोग्राम्स, अगर तुम जावा प्रोग्राम्स ना कर रहे हो, तुम सी भी कर रहे हो, पाइथन भी कर रहे हो, तब भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए या फिर आईसीएससी के लिए स्पेशली, आईसीएससी एंड आईएससी के लिए प्लस कॉलेज के बंदों के लिए
एक स्पेशल नोट मैंने तैयार किया, क्या है यार, प्राइमरी जावा प्रोग्राम्स का, ठीक है, इसका भी मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तुमको लिंक वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। एंड मैं और एक बार बोल रहा हूं, अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ सीरीज हम बनाए जिसके अंदर हम हर एक तरीके का चीज सिंप्लीफाइड वे में तुमको समझाए, ठीक है, एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आने का चांसेस है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आईसीएसई आईएससी प्लस कुछ बेसिक्स, अगर तुम चाहते हो मैं करवा सकता हूं, बट तुमको सिर्फ कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है कमेंट करने के लिए, ठीक है, इतना सा चीज़ करना है और कुछ नहीं, ठीक है। सो प्राइमरी जावा प्रोग्राम्स के अंदर ना क्या आता है कि कुछ प्राइमरी प्रोग्राम्स जो यार हमको जानना इंपॉर्टेंट है, एंड जो प्रोग्राम्स अगर हम नहीं जानेंगे ऑन दैट केस बाद में जाके जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो करने में दिक्कतें हाउ होगा या फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखो यार फ्रेंडली एक बात सुनो, अगर तुम आज ए बी सी डी नहीं जानोगे ऑन दैट केस तुम एक वर्ड कैसे लिखोगे, तुमको मैं सेंटेंस बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, तुमको पहले ये अल्फाबेट्स जानना है, ठीक है, उसके बाद यार तुम जाके एक सेंटेंस लिख सकते हो, ठीक वैसी तरह तुमको इनिशियल या फिर प्राइमरी जावा प्रोग्राम्स जानना है टू गेट इट इनटू दिस टॉपिक। ज्यादा कुछ नहीं यार, मैं वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं, ज्यादा खींच भी नहीं रहा हूं, ठीक है यार, कम टाइम के अंदर तुमको मैंने दो नोट्स प्रोवाइड कर दिया, तुम इस दो नोट्स को देखो, प्रोग्राम्स करो, अगर दिक्कत हो रहा है मेरे को कमेंट करो भैया इस प्रोग्राम में फिर इस नंबर प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे साथ पर्सनली जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, उधर जाके भी तुम मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो या फिर जुड़ सकते हो, ठीक है। एंड मैं और एक बार बोल रहा हूँ बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, अगर तुम चाहते हो कि भैया कंप्यूटर के सेक्शंस के ऊपर सब कुछ करवाइए तो कमेंट करो सब, एंड कमेंट अगर ज्यादा कमेंट होगा तब मैं करूंगा, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, अगर ज्यादा कमेंट होगा मैं बहुत जल्दी, मेरा खुद का कॉलेज चल रहा है, खुद का कॉलेज के एग्जाम्स है, बट फिर भी मैंने यार ये कर दूंगा, ठीक है। एंड मेरा और एक चैनल सेकंड चैनल जिसका नाम है लर्न विद आकाश, उसको जाके आप देख सकते हो, उसके अंदर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हम पोस्ट करते हैं एंड उसके साथ हम कुछ एजुकेशनल कंटेंट का भी लाइव सेशंस करवाते हैं। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम वीडियो अच्छा लगे और प्रैक्टिस लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।